नमस्कार दोस्तों, आप सभी भारतवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे आपको पांच जरूरी काम को याद दिलाने वाला हूँ जो कि 31 मार्च से पहले आपको करना ही होगा। जैसे कि आज है 20 मार्च 2019, तो 31 मार्च से पहले आपको ये पांच आपको काम करना ही होगा, वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 31 मार्च तक कर ले ये पांच जरूरी काम, वरना झेलना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ये पांच काम बहुत ही जरूरी है, जो आपको 31 मार्च तक इसका डेडलाइन है, तो 31 मार्च से पहले ही आपको ये सभी कंप्लीट करना होगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइए। अगर थोड़ी सी भी वीडियो को भगा देते हो तो शायद आपको आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरे ध्यान से देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यह देखो, वैसे तो ये साल का तीसरा महीना है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये आखिरी महीना चल रहा है। तो इस महीने के 31 तारीख तक आपको ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई अहम चीज़ें आपको पूरा करने का डेडलाइन है। अगर आपने इस डेडलाइन के अंदर इन सभी काम को नहीं निपटाते हैं तो आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा फास्ट से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला काम, पैन को आधार से लिंक करा ले। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर कोई अगर पैन कार्ड है और आपने अगर अभी तक अगर आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसको जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि लिंकिंग का अंतिम तारीख है 31 मार्च 2019। तो आपको 31 मार्च से पहले आपको आधार से पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। तो आप अगर नहीं करते तो शायद आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। और दूसरा सबसे अहम चीज़, तो यह पर देखो, 31 मार्च से पहले चुने टीवी चैनल पैक। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर अभी तक आपके टीवी पैक अगर नहीं चुने तो आप ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर 31 मार्च से पहले अगर टीवी चैनल पैक अगर नहीं चुनते तो आपका टीवी बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ट्राई की तरफ से ये निर्देश है, आप अगर 31 मार्च से पहले अगर आपका टीवी चैनल पैक अगर नहीं चुनते तो आपका टीवी चैनल बंद हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरा खबर जो सबसे अहम खबर है, तो आप अगर जियो सिम यूज़ करते तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी। आपको अगर कोई ऐसा कोई जियो सिम है जिसमें आपने 3 महीने तक कोई भी रिचार्ज नहीं किया है, तो आप जल्दी से 31 मार्च से पहले आप कोई एक रिचार्ज करा लीजिए, वरना आपका सिम बंद हो जाएगा। और आज का जो चौथा खबर है वो है ITR फाइल करने का आखिरी दिन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 2017 या 18 का रिटर्न फाइल अभी तक नहीं किया है तो आपको 31 मार्च से पहले हर हाल में आपको ये निपटा लेना होगा, वरना आपको 10,000 रुपये तक आपको जुर्माना देना होगा। और उसी जगह पर अगर आपका साल में अगर 5 लाख रुपये तक अगर इनकम करते तो भी अगर आपने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है तो आपको 1,000 रुपये तक आपको जुर्माना लग सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो आखिरी खबर है वो है बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपके अगर कोई भी बैंक खाते में अगर खाता है तो आपको जरूर से 31 मार्च 2019 से पहले ही आपको आधार और पैन कार्ड से लिंक कराना होगा, वरना आपका जो मेहनत का पैसा है वो शायद आप निकल नहीं पाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी आप आधार और पैन कार्ड से लिंक करा लीजिए।